month. सर मेरे ट्रैवल रिक्वेस्ट का अप्रूवल नहीं आया अभी तक. ट्रैवल एजेंट नहीं हूं मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हूं. मेरी तरफ से जो करना था वो कर चुका हूं मैं. सर वीजा एक्सपायर होने में एक महीना बचा है बस. तुम्हें समझना पड़ेगा पार्थ, यू हैव टू बी पेशेंट. फॉलो अप मैं भी कर रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो बस. कितना इंतजार करना पड़ेगा हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैनेजर साहब. बचपन से आज तक हम लोग सिर्फ इंतजार करते हुए आ रहे हैं. पहले घर वालों ने कहा अभी जितना पढ़ोगे आगे उतने मजे करोगे. अभी तक उस मजे का इंतजार कर रहा हूं मैनेजर साहब. फिर पड़ोस के शर्मा वर्मा कपूरों ने घर में आ आ के बोला बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है, अच्छा पैकेज पाओगे. अभी तक उस अच्छे स्कोप और पैकेज का इंतजार कर रहा हूं. कॉलेज के बाद हम लोग आईटी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ब्रांच चाहे जो भी हो, ये सोचकर कि हमारे सारे इंतजार खत्म, फिनिश. सिर्फ एक ऑन साइट का सपना लेकर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ तो इंतजारों की झड़ी लगी होती है. इस सपने मात्र को देखने के लिए 2 साल का इंतजार, फिर वीजा इनिशिएट होने का इंतजार, फिर उसके लगने का इंतजार, फिर रिक्वेस्ट अप्रूवल का इंतजार, 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 कितना इंतजार. मैनेजर साहब, अगर क्लाइंट इजाजत दे और मैनेजर अच्छा हो तो कोई हमें उनसे जाने से नहीं रोक सकता. लेकिन आप लोग हायर मैनेजमेंट में बैठे हुए वो कीड़े हो जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इंतजार कराते कराते एक फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने पर मजबूर करते हो. Why you overreacting, Parth? Why? ज़्यादा सनी देओल मत बनो. क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों? सनी देओल? क्यों? ईमानदारी से कोडिंग करने वाले डेवलपर को खुलेआम सपोर्ट में फेंक दिया जाता है क्यों? काम करने की इच्छा रखने वाले फ्रेशर्स को महीनों तक बेंच पर बैठाया जाता है क्यों? घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए रिसोर्सेज एचआर के चक्कर काटते काटते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लेकिन उन्हें ट्रांसफर नहीं दिया जाता क्यों? रिजाइन मारने के बाद भी नोटिस पीरियड के नाम पर 3 महीने तक हमें बंधुआ मजदूरों की तरह बांध के रखा जाता है क्यों? यूएस, यूके, यूरोप जाने का सपना देखने वाले एम्प्लॉइज को ऑन साइट के नाम पर भिवंडी भेज दिया जाता है क्यों? क्यों, क्यों, क्यों? न जाने ऐसे कितने ही क्यों हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ लेकर देते हैं मैनेजर साहब यहाँ. पता है क्यों? क्योंकि क्लाइंट को बफर के नाम पर दिखाने के लिए थोक में रिसोर्स रिक्रूट किए जाते हैं और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है इस जंगल में फ्रस्ट्रेट होने के लिए. लेकिन मैनेजर साहब उन चेहरों को देखिए उधर, उन सब की निगाहें आज आप पर टिकी हैं कि आप एक इंजीनियर को क्या देते हैं. अगर आप उसे ऑनसाइट नहीं दे सकते तो बंद कीजिए नाटक, मत दीजिए हमें झूठी तसल्ली, मत दीजिए हमसे झूठे वादे, ताकि इस झूठी ऑनसाइट की आस में एक और इंजीनियर पर पात ना हो, तबाह ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो. ये सब बोल दिया तूने दसु को? ऐसा मैंने सोचा कि ये सब बोलूं,